नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम इस वीडियो में देखेंगे शिक्षक पात्रता प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बाल एवं शिक्षा मनोविज्ञान चाइल्ड एंड एडुकेशन साइकोलॉजी से संबंधित की प्रश्नावली क्रमांक 2। इससे पहले हमने इसका एक वीडियो अपलोड किया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। उक्त वीडियो में बाल एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत विधि के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिकों के बारे में प्रश्नों का समावेश किया है। तो यह प्रश्नावली क्रमांक 2 जो कि आपके सीटेट, यूपीटेट, राजस्थान टीचर रीड एग्जाम, डीड, ट्रिपल एसबी दिल्ली टीचर, छत्तीसगढ़ टेट, मध्य प्रदेश समदाशाला शिक्षक आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था मनोविज्ञान साइकोलॉजी जो कि सभी मानव जाति के मन एवं व्यवहार से संबंधित अध्ययन करते हैं। वहीं से हमारा आया था बाल मनोविज्ञान जो कि बालक के जन्म के और परिपक्व आयु तक के मन एवं व्यवहार का अध्ययन करते हैं। फिर हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। अब हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका जो हम अध्ययन करते हैं उसमें कुछ जो मनोविज्ञानिक हुए, विद्वान हुए, उन्होंने कुछ नियम बनाए, सिद्धांत बनाए, उनके जन्मदाता कौन है। बाल शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सिद्धांत विधि नियम के प्रतिपादक। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है। आपको बताना है इसका आंसर कि मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम बुंट या अरस्तु। दोस्तों आपको विलियम बुंट भी इसका आंसर देखने को मिलेगा कई बुक में और अरस्तु भी, लेकिन इसका सही आंसर है विलियम बुंट। यदि आपको कहीं भी आ जाता है तो विलियम बुंट ही टिक करें। ये अरस्तु तो स्कैनर ने कहा था कि अरस्तु मनोविज्ञान के जनक है। यह बहुत ही विवादित क्वेश्चन है दोस्तों। कहीं विलियम जेम्स भी लिखा आता है लेकिन इसका विलियम बुंट आंसर हो जाएगा सही। तो चलते हैं हम अगले फैक्ट की तरफ। विलियम जेम्स, दोस्तों विलियम बुंट के बारे में है। मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान तक ले गए यानी मन का विज्ञान के बारे में प्रतिरूपण किया। ध्यान दें दोस्तों, विलियम बुंट ने जो विज्ञान को आधुनिक मनोविज्ञान तक ले गए और मन का विज्ञान के बारे में प्रतिरूपण किया इन्होंने। तो हम चलते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है। अब यह आधुनिक मनोविज्ञान एक अलग है और मनोविज्ञान अलग था। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स जो कि अमेरिकी दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स, इसका ध्यान दें। अल्फ्रेड बिने जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, और स्पीयरमैन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक हुए हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। शरीर रचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया। आपको बताना है निम्न ऑप्शनों में से कि शरीर रचना का प्रतिपादन किसने किया है। आप आधा सेकंड में सोच भी सकते थे। सेल्डन ने शरीर रचना का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बुद्धि का और खा का सिद्धांत प्रतिपादक कौन है। ध्यान दें दोस्तों, बुद्धि का खा के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा हैब जो है वो बुद्धि का और खा के सिद्धांत के प्रतिपादक है। बुद्धि, दोस्तों अभी हम जो भी सिद्धांत है उसके बारे में हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल उनके प्रतिपादक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम आगे चल के जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें एक एक करके हम जो भी हम सबसे पहले कितने सिद्धांत हैं, कितनी विधि है, नियम है, उसके वीडियो देख लेंगे। फिर वही हम आगे उसके डिस्कशन में यानी विवरण के रूप में हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा जो भी होगा उसमें। तो यहाँ पे लिखा है कि जो बुद्धि का और खा का सिद्धांत है, बुद्धि वंशानुगत एवं पर्यावरण अन्य कारकों का परिणाम है। जो बुद्धि और खा का सिद्धांत है यह तो अभी हमने वैसे ही इसके पहचान करने के लिए लिख दिया है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह सरल भी है। एडवर्ड एल थर्नराइड को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से एक बुक भी निकाली है। अधिगम का बंद सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया है। दोस्तों यह बिल्कुल सरल है।
थार्नडाइक ने वही एडवर्ड एल थार्नडाइक ने अधिगम का बंद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने दोस्तों कई सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, इन्होंने संबंधवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया है, उसी में सारे सिद्धांत आ जाएंगे। तो हम देखते हैं आगे चल के, थार्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसने 6-7 सिद्धांत दिए हैं, एक हिसाब यह आ गया है। संबंधवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है, तो मैंने वैसे आपको बता ही दिया है, तो आप सोच भी सकते हैं, थार्नडाइक ने, वही एडवर्ड एल, इसका पूरा नाम है थार्नडाइक, यह पूरा नाम है, यह शॉर्टकट में नाम है, लेकिन वही हो जाता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं, इन्होंने इसका संबंधवाद का जो सिद्धांत दिया है उसमें अनुक्रिया का सिद्धांत भी कह सकते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कह सकते हैं हम, और संयोजनवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंद सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, एसआर थ्योरी भी कह सकते हैं। इन्होंने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था, जिसे एक पिंजरे में बंद किया कर दिया था और बाहर जो उसमें उसके खाने के टुकड़े रख दिए थे, कोई कुछ भी रोटी वगैरह, तो इन्होंने सिद्धांत किया था बंद पिंजरे में, वही पे इन्होंने सारे सिद्धांत दिए। लेकिन उनका जो ये भी जो सिद्धांत है, इनके नियम अलग अलग है, लेकिन जो संबंधवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो थार्नडाइक, एडवर्ड एंड थार्नडाइक ने किया है, और ये सारे सिद्धांतों का भी इन्होंने प्रतिपादन किया है। एक ही नियम है दोस्तों इन सब का, तो इसे आप ध्यान दें, हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। प्राकार्यवाद साम्रताय का प्रतिपादन किसने किया है, आपको बताना है इसका आंसर, तो विलियम जेम्स ने प्राकार्यवाद साम्प्रदाय का प्रतिपादन किया है दोस्तों। ये मनोविज्ञानिक के जनक माने जाते हैं क्या? जी नहीं दोस्तों, विलियम बुंट माने जाते हैं, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है, विलियम बुंट मनोविज्ञानिक के जनक माने जाते हैं, या अरस्तु, ये आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं दोस्तों, ध्यान दें, यह गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो हम चलते हैं, संयोजनवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? IQ आपको देखना है, चेक करना है, अभी हम पढ़ चुके हैं, यही एडवर्ड एल थार्नडाइक ने जो है संयोजनवाद का सिद्धांत दिया, एक जैसे सिद्धांत है, वह शिक्षा मनोविज्ञान के जनक संयोजनवाद का सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थार्नडाइक ने वर्ष 1913 ईस्वी में प्रतिपादित किए। चलते हैं हम, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता किसे माना जाता है दोस्तों? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता किसे माना जाता है, बालक की बुद्धि का परीक्षण से संबंधित बात हो रही, तो इसे अल्फ्रेड बिने को माना जाता है, इनका अल्फ्रेड बिने पूरा नाम है, कहीं कहीं बिने ही लिखा आता है। बालकों की बुद्धि क्षमता आकलन परीक्षण बिने ने किया। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया, आपको बताना है, कई बुद्धि से संबंधित कई सिद्धांत हैं, एक खंड बुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादन दिया, मैं आपको समय दूंगा, जितने भी हम सिद्धांत के प्रतिपादक पढ़ रहे हैं तो आपको सोचने का समय मिलेगा आधा सेकंड, उसमें आप बता सकते हैं। तो ये भी अल्फ्रेड बिने ने एक खंड बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादन किया दोस्तों। एक बुद्धि स्तर परिपूर्णता आकलन किया था इस सिद्धांत में उन्होंने, लेकिन अभी हम केवल इसकी पहचान कर रहे हैं। दो खंड बुद्धि सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया, आपको बताना है कि दो खंड बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यह किया था स्पीयरमैन ने दोस्तों, स्पीयरमैन ने दो खंड बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यह ध्यान रखना दोस्तों। दो बुद्धि स्तर, ध्यान दें, दो बुद्धि स्तर का परिपूर्णता आकलन। त्रि आयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने किया था, तो इसे देखना है, जेपी गिलफोर्ड ने त्रि आयाम बुद्धि का सिद्धांत दिया था, ध्यान दें दोस्तों। दो बुद्धि, तीन बुद्धि उसमें गलत लिख गया, उसमें तीन बुद्धि लिख गया था, यहां तीन लिखना था, तीन बुद्धि स्तर का परिपूर्णता आकलन। आत्म संप्रदाय के जनक प्रतिपादन किसे माना जाता है, तो बताना है कि आत्म संप्रदाय के जनक किसे माना जाता है आपको, तो यह आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स को आत्म संप्रदाय के जनक माना जाता है। मनोविज्ञानिक के जनक भी कहते हैं,
कहीं कहीं कहते हैं लिखा हुआ है दोस्तों, तो विलियम बुंड को कहेंगे हम। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जनक हैं विलियम जेम्स, और प्राकाय समुदाय के जनक हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ध्यान बना रहे कि मनोविज्ञानिक के जनक विलियम बुंड है, आपको मैं रटाना चाहता हूं। और उसमें कहीं कहीं बुक में अरस्तु भी लिखा होता है, और विलियम जेम्स में यह विवादित क्वेश्चन है मनोविज्ञानिक के जनक के रूप में। तो इसे ध्यान दें कि आत्म संप्रदाय के जनक कौन है, विलियम जेम्स। चलते हैं हम, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, वही एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने, इन्होंने कई सारे जो प्रतिपादन किए हैं वह लिखे हैं। यह शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। संयोजनवाद के सिद्धांत, सामंतवाद के सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यह सारे सिद्धांत दिए हैं जो कि एक ही सिद्धांत माने जाते हैं दोस्तों। लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें अलग वो है, लेकिन एक ही साथ है, उपनियम है ये सारे। बुद्धि संरचना के सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया, तो बुद्धि संरचना का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया आपको बताना है, गिलफोर्ड, जो कि अमेरिका के हैं, जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलते हैं हम, त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत एवं बुद्धि संरचना का प्रतिपादन गिलफोर्ड ने किया। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया दोस्तों, तो हमें बताना है कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया है, वही एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। यह संबंधवाद का उप नियम है, ये उप सिद्धांत है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ध्यान दें दोस्तों, ये संबंधवाद का जो मेन नियम संबंधवाद है, और इसके जो उपनियम आ जाते हैं ये सारे उपनियम हैं। ध्यान दें, ये सारे उपनियम हैं, ये संयोजनवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, लेकिन मेन है आपका संबंधवाद का सिद्धांत जो कि एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिए। भाई प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक बिना बताए हुए आपको रट सकते हैं कुछ क्वेश्चन दोस्तों, यह भी सारे उसमें लिखा है। अपना मेन नियम हो जाएगा संबंधवाद का सिद्धांत, और इसके बाद ये सारे संयोजनवाद का, अधिगमवाद का, जो प्रयास एवं त्रुटि, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ये सारे उप सिद्धांत हो जाएंगे। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों, आपको बताना है कि समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो यह किया है थर्स्टन ने। थर्स्टन जो है वह समूह खंड बुद्धि का प्रतिपादन किया। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया आपको बताना है कि तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन से मनोवैज्ञानिक ने किया है, तो आरबी कैटल ने किया है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है, ध्यान दें दोस्तों, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक हो जाएंगे वही थर्स्टन हो जाएंगे, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक। और यह इन्होंने समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत भी दिया, और इन्होंने युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि का भी प्रतिपादक किया। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, दिए ऑप्शन में आपको बताना है कि प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आरबी कैटल जो है वो प्रतिकारक विशेष सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, इन्होंने तरल ठोस का बुद्धि का सिद्धांत भी दिया, और प्रतिकारक विशेषक का भी सिद्धांत दिया। चलते हैं हम, संरचनावाद संप्रदाय का जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों, ध्यान दें, ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया आपका। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं, ये माने जाते हैं विलियम बुंड, जर्मनी के, जो हमारे मनोविज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं। यह विलियम बुंड जो है जर्मनी के हैं, एक विलियम जेम्स जो कि अमेरिका के हैं दोस्तों, बहुत ही फर्क है इनमें। और मुझे विलियम बुंड के मनोविज्ञानिक के रूप में कि इनके जनक माने जाते हैं दोस्तों, यह विवादित क्वेश्चन है, एक मनोविज्ञानिक के जनक किसे माने जाते हैं, तो मैंने आपको कई तरीके से बताया है यार, तो इसे ध्यान रखें कि संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है, विलियम बुंड हैं जो कि जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं। दर्शन शास्त्र से मनोवैज्ञानिक अलग किया किन ने किया है, विलियम बुंड ने किया है दोस्तों, यह भी एक क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो चलते हैं हम, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जीन पियाजे।
जीन पियाजे के बारे में एक क्वेश्चन आपका कहीं भी कहीं ना कहीं पूछ ही लिया जाता है, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो। दोस्तों इसे ध्यान देना है। और इन्होंने क्या किया था कि मानव वृद्धि और विकास के विभिन्न आयाम है, इन्होंने कहा था कि मानव वृद्धि और विकास के विभिन्न आयाम है, इनके बारे में जो नियम है भाई उसका पूरा का पूरा नियम पढ़ेंगे दोस्तों, उसकी आप चिंता ना करें। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, यह भी दोस्तों आपको बताना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यह जीन पियाजे ही संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है दोस्तों। तो हमने बाल शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत प्रतिपादक पढ़े, जो कि आपके बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। यह प्रश्नावली क्रमांक 2 थी दोस्तों। इसे इन्होंने संज्ञानात्मक विकास और विकासनात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादन किया है जीन पियाजे ने। दोस्तों आप हमारे करियर डेस्ट एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए और हमारे आप सदस्य बन जाएं माय यूट्यूब चैनल के, जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। वैसे यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि आपको और अच्छे वीडियो मिल सके। दोस्तों हम अगला वीडियो बाल शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नावली क्रमांक 3 हम जल्द ही अपलोड करेंगे। इसमें भी हम बाल मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। और सारे हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।